हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक यूज़ किया है वो है 2 मीटर्स। 2 मीटर्स में आपका कुर्ती और स्लीव्स इजीली रेडी हो जाएगा। कुर्ती रेडी करने के लिए यहाँ पर हमें फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लेना है, जिसे मैंने ऑलरेडी कर लिया है। देखिए, ये है मेरा फ्रंट वाला पार्ट और ये है बैक वाला पार्ट। तो मैंने इसे ऑलरेडी फोल्ड कर लिया है। तो फोल्डिंग मैंने इस तरीके से की है। दामन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फोल्डिंग करनी होती है। तो दामन है 27 इंचेस का। 27 का हाफ हुआ 13.5 इंचेस। 13.5 इंचेस में मैं 1 इंच ऐड करते हुए 14.5 इंचेस पर इसे फोल्ड कर लेती हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर 4 फोल्डेड है। 1, 2, 3 एंड 4। और ये मेरा ना फोल्डिंग उल्टी वाली साइड पर है, क्योंकि हमें मार्किंग कभी भी सीधी साइड पर नहीं, उल्टी साइड पर ही करनी होती है। तो यहाँ पर मेरी शोल्डर की मेजरमेंट है 12 इंचेस की। 12 का हाफ हुआ 6 इंचेस। तो मैं 6 इंचेस पर यहाँ पर मार्क कर लूँगी। अब ना आपको ना यहाँ से भी 6 इंचेस और यहाँ से भी 6 इंचेस लेते हुए एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करना है। मैं आपको ड्रॉ कर बताती हूँ। तो गाइज, मैंने ना यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। अब कर लेते हैं चेस्ट की मार्किंग, जो कि है 40 इंचेस की। 40 डिवाइडेड बाई 4 हुआ 10 इंचेस। 10 इंचेस में +2 करते हुए 12 इंचेस पर मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। तो गाइज, ये हुआ 10 इंचेस की मार्किंग और ये +2 की, जो हमारा सीम अलावेंस है। तो गाइज, अब चेस्ट की मार्किंग के बाद हम कर लेते हैं वेस्ट की मार्किंग। वेस्ट की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पर 12 इंचेस पर मार्क कर लेती हूँ। 12 इंचेस पर मैं इसलिए मार्क कर रही हूँ क्योंकि मेरा शोल्डर है 12 इंचेस का। आपका शोल्डर चाहे जितना भी हो, 13 हो या फिर 14 हो, आप उसके अकॉर्डिंग मार्क करिए। मेरा यहाँ पर 12 इंचेस का है, इसीलिए मैं 12 इंचेस पर वेस्ट को मार्क कर लेती हूँ। कर लेते हैं वेस्ट की मार्किंग, जो है 38 इंचेस की। 38 इंचेस डिवाइडेड बाई 4 हुआ 9.5 इंचेस। पर मैंने मार्क कर लिया। अब मैं यहाँ पर +2 इंचेस पर मार्क कर लूँगी, जो होगा हमारा सीम अलावेंस। अब हम कर लेते हैं हिप्स की मार्किंग। तो आपको हिप्स की मार्किंग के लिए पहले यहाँ से 20 इंचेस पर मार्क कर लेना है। 20 इंचेस पर मैं इसलिए मार्क कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा चेस्ट है 40 इंचेस का। 40 का हाफ हुआ 20। तो 20 इंचेस पर मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी और अब यहाँ पर हिप की मार्किंग कर लूँगी। तो गाइज, यहाँ पर हिप की मेजरमेंट है 47 इंचेस की। 47 का हाफ हुआ है 11.75 इंचेस। तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया 11.75, यानी 0.5 से थोड़ा बढ़कर होता है। और फिर यहाँ पर हम +1 का सीम अलावेंस देंगे। हम यहाँ पर +2 सीम अलावेंस नहीं देंगे, आपको हिप साइड से +1 का सीम अलावेंस देना होता है। गाइज, मैंने ना यहाँ पर हिप की साइड पर +1 इंच का सीम अलावेंस दिया है, +2 का नहीं दिया है, क्योंकि हमें इस साइड से +1 इंच का ही सीम अलावेंस देना होता है, +2 नहीं देना होता है। अब कर लेते हैं दामन की मार्किंग, जो कि है 27 इंचेस का। 27 को आपको 2 से डिवाइड करना होता है, 4 से नहीं। यहाँ पर आपको दामन में सिर्फ 2 से ही डिवाइड करना होता है। तो 27 का हाफ हुआ 13.5 इंचेस। 13.5 इंचेस में 1 इंच का सीम अलावेंस देते हुए मैं 14.5 इंचेस पर मार्क कर लेती हूँ। तो फर्स्ट मार्किंग 13.5 इंचेस पर मार्क किया, फिर आपको 1 इंच पर 14.5 इंचेस पर मार्क करना है। तो देखिए, मैंने दोनों भी मार्किंग कर लिए हैं।
कर लेते हैं नेक्स्ट साइड की मार्किंग जो कि है 2.5 इंचेस की। अब मार्क करते हैं नेक की डीपनेस। तो यहाँ पर मेरा फ्रंट और बैक का जो नेक का डीपनेस है वह सेम है। तो नेक की डीपनेस है 6 इंचेस की। तो मैं 6 इंचेस पर यहाँ पर स्केल से एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ से भी आपको 2.5 इंचेस लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर आप जैसा चाहे वैसे शेप का डिज़ाइन का नेक डिज़ाइन बना सकते हो। आपको यहाँ से 1/2 इंच पर शोल्डर डाउन लेते हुए एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये 1/2 इंच पर मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम हमारी नेक साइड पर ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें इस बॉक्स का सेंटर लेना होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये था 6 इंचेस का, तो 6 का 1/2 हुआ 3 इंचेस। 3 इंचेस पर ऐसे मार्क कर लिया और फिर 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ मार्क करना है। ऐसे हमें मार्क करना है। अब यहां पर हमें जो कर्व ड्रॉ करना है 1/2 इंच पर ड्रॉ करना है और 1 इंच पर ड्रॉ करना है। हमारी 1/2 इंच वाली जो मार्किंग है ना, ये है फ्रंट वाले आर्म होल की मार्किंग और ये है बैक वाले आर्म होल की मार्किंग। तो इसको आपको ऐसे ज्वाइन कर लेना है। आपको इसे ऐसे अटैच करते हुए ज्वाइन कर लेना है फ्रंट वाली आर्म होल को और अब बैक वाली आर्म होल को आपको ऐसे ज्वाइन कर लेना है। हम ना हमारी सारी इन मार्किंग्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो गाइज ये हुआ हमारा मार्किंग का पार्ट डन। अब हम कर लेते हैं अकॉर्डिंगली कटिंग। तो गाइज अब ना हमें हमारा फ्रंट वाला आर्म होल कट करना है। इसके लिए हमें पहले अपने इस बैक वाले पार्ट को ऐसे फोल्ड कर लेना है, फिर इसे ऐसे प्लेस कर इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर देनी है जो होगा हमारा फ्रंट वाला आर्म होल। गाइज ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक आर्म होल की कटिंग। अब कर लेते हैं हमारे स्लीव्स की कटिंग। ये ना कुर्ती का बचा हुआ फैब्रिक है जिसमें मैं अपने स्लीव्स को प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको फोल्डिंग बताती हूँ। पहले मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। ये मेरी सीधी वाली साइड है, आपको इसे उल्टा फोल्ड करना है। पहले इसे डबल फोल्ड, फिर आपको इसे फिर फोल्ड कर लेना है ऐसे। तो ये हो जाता है आपका 4 फोल्ड। तो गाइज ये है मेरे स्लीव्स का 4 फोल्डेड फैब्रिक जिसकी ना लेंथ है 19 इंचेस की। अगर रेडी लेंथ है 18 इंचेस की। मैं 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये स्टिचिंग में जाएगा। और अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से। आर्म होल की लेंथ है 11 इंचेस की। तो ये ऑलरेडी मेरा 11 इंचेस का है। अब मैं ना यहाँ से 3 इंचेस पर मार्क कर लेती हूँ। 3 इंचेस पर यहाँ पर आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ से हमें ना डायगनली एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इस डायगनल लाइन का सेंटर लेना है
तो ये हमारी डायगनल वाली लाइन ना 12 इंचेस की है, तो 12 का हाफ हुआ 6 इंचेस। तो 6 इंचेस पर मैं इसे मार्क कर लेती हूँ, और यहाँ पर हाफ इंच और यहाँ पर हाफ इंच मार्क कर लेती हूँ। ऐसे हाफ इंच मार्क कर लेंगे। अब हम ना यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, इसे इसे टच करते हुए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर ऊपर की तरफ भी सेम फॉलो कर लेंगे। तो गाइज अब कर लेते हैं रिस्ट की मार्किंग, जो कि 12 इंचेस की, 12 का हाफ हुआ 6 इंचेस। 6 में मैं +2 का सीम अलावेंस ऐड करते हुए यहाँ पर इसे मार्क कर लेती हूँ, और फिर इस लाइन को और उस लाइन को ज्वाइन कर लेती हूँ। अब हम मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेते हैं। अब हमने अपने स्लीव्स को यहाँ पर एक नॉच लगा देते हैं, और फिर इन्हें ऐसे ओपन कर देंगे। ऐसे, और फिर इस वाली मार्किंग को कट कर देते हैं। ना स्लीव्स जो है ना बनकर रेडी है। अगर आप लोग को डिज़ाइनर स्लीव ट्यूटोरियल चाहिए तो आप आई बटन पर प्रेस कर ज़रूर देखें। मैं यहाँ पर कुर्ती का ट्यूटोरियल, सुइंग ट्यूटोरियल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ना ये काफ़ी सिंपल कुर्ती है। अगर आगे डिज़ाइनर कुर्तीज़ हो तो मैं ज़रूर बताऊँगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में और काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।